तो भले बार फिर आगे रॉकअप इंजन कंपनी अपडेट देने के लिए, तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थक के बारे में। तो गाइस कल थक जब लाइव आए थे तो वो बात कर रहे थे सोल के अचीवमेंट्स को लेकर, और ये भी बोल रहे थे कि सोल हर चीज में टॉप पर चल रही है, जो कि आप स्क्रीन में देख ही सकते हो। आप लोगों को काफी कुछ हुआ, हम लोग मोदी जी से मिले, आप लोग ने देखा वो एपिसोड कैसा लगा। आप लोग फैन बेस को एक्टिवेट इंक्रीज करने पर वर्क क्यों नहीं कर रहे हो? रैंडम भाई आप बताओ, कुछ आइडियाज दिए जो हम लोग नहीं कर रहे। ओनली इंडियन ऑर्ग टू ड्रॉप कलेक्टिबल्स फॉर द फर्स्ट टाइम आई गेस। मर्च रेगुलर ड्रॉप हमारे ही हो रहे हैं, ठीक है, फैन बेस के लिए हो रहा है ये। वीडियोस कंटेंट हम लोग ही बना रहे हैं, मीट एंड ग्रीट में, चाहे वो कॉमिक कॉन हो, चाहे वो आपका सोशल नेशन हो, चाहे वो कहीं पे भी इंडिया में ऐसा जगह हो जहाँ गेमर्स को बुलाया जा रहा है, वहाँ ऐसे 12 की गेमर्स जा रहे हैं। बड़े बड़े चीज़ें, चाहे वो मोदी जी से मिलना हो, ये हो, उसमें हमारा ही बोलबाला है, ठीक है। न्यूज़ में, मीडिया में, पीआर में हमारे ही क्रिएटर्स हैं। ई स्पोर्ट्स में सोली है, ठीक है। ओनर रिप्रेजेंटेशन में गोल्डी बाय मॉडल रेगुलर लाइव आ रहे हैं, ठीक है, रेगुलरली चीज़ों को गोल्डी बाय एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। क्रिएटर्स में सबसे ज़्यादा क्रिएटर जो आज के लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं वो शायद एसे 12 से ही है, शायद कैश्योर यू मैं। और क्या करूँ, मतलब इससे अदर तो डब्लू में, मतलब और आई डोंट थिंक कि कोई कर सकता है। मेटा डे एडमिट की हो रही है ना, तो मतलब कर रहे यार, मतलब आई थिंक वी आर डूइंग मोर देन वी हैव एवर डन, वी आर एवरीवेयर, एसे 12 इज एवरी फकिंग वेयर। मैं तो पता नहीं कहाँ नहीं है, कैसा कौन कोई मिस हो जाता तो मुझे लगता है कि यार कैसे मिस हो गया, समझ रहे हो। हाँ मतलब ऑल्सो ये नहीं होता गाइस कि सिर्फ व्यूअरशिप या उससे आप एक्टिविटी या फैन बेस की बात करोगे। जो अगर आप सोल की बात करो, जो करंट सोल है, लाइनअप जो है, उन लोग रेगुलर है, बट दिस इज नॉट देयर मेन गोल राइट नाउ। उन लोग भी सीख रहे हैं, नए यंग लोग हैं, एस्पावर छोड़ के बाकी लोग को कैमरा शाई भी है, धीरे सीख रहे हैं उन लोग भी अपनी स्ट्रीमिंग करके। थोड़ा ई-स्पोर्ट्स का सीन और बेटर होगा आई थिंक, ई-स्पोर्ट्स थोड़ा सा स्पेशली विथ नॉट बिग टीपीटी टूर्नामेंट्स, टीपीटी इवेंट्स, आई बिलीव दैट कि थोड़ा ऑडियंस का भी इंटरेस्ट कम होता है। बट अभी BGIS आ जाएगा वापस, सब कुछ चंगा हो जाएगा। और स्पेशली लास्ट 2 मंथ तो एग्जाम्स एग्जाम रोड रोड सब कुछ चारों तरफ चल रहे थे, तो आई डोंट थिंक कि इतना कोई ऐसा स्ट्रेस है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो आरएनए तो न्यू यहाँ पे बात करते हैं गॉडलाइक के करंट लाइनअप के बारे में, और वो बोलते हैं कि ये लाइनअप परफेक्ट लाइनअप है और क्या अब इस लाइनअप को चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो कि आप स्क्रीन में देख ही सकते हो। ये टाइम प्रॉमिसिंग टीम लग रहा है गॉडलाइक का, बट कुछ में आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, शायद जिंक्स नहीं करना मेरे को। गॉडलाइक टॉप 16 आएगी, गॉडलाइक टॉप 16 देखो। मैं मतलब जब तक मैं रहा हूँ तब तक का मुझे पता है कि मैं मतलब वो प्लेयर्स के साथ खेला हूँ, ठीक है, मतलब स्पेशली जॉनी के साथ। तो अभी ऐसा टाइम ऐसा हो चुका है ना गाइस कि अभी जॉनी भी मतलब वो इतने टाइम से ऑफिशियल में हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, आई गेस 3 ऑफिशियल क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो सीन क्या होता है कि वो राउंड 1 राउंड 2 ना निकाल लेते थे, बट जब वो मेन आता था ना टाइम, तो वो टाइम पे थोड़ा जो नेचुरल गेम है ना वो निकल के नहीं आता था, मेरा भी नहीं आता था, मैं भी थोड़ा पैसिव हो जाता था, ठीक है। वो टाइम पे थोड़ा हम लोग ऐसा डर के खेलते थे, ठीक है। तो वो दिन मतलब वक्त हो गया थोड़ा, BGIS स्टार्ट होने के पहले मेरा जॉनी से बात हुआ था, ठीक है, मतलब गॉडलाइक छोड़ने के बाद ही। तो वो टाइम पे मैंने उसको कहा था, पूछा था मैच का भी वो, तो मैंने उसको बोला था भाई ये टाइम जो भी है नेचुरल गेम प्ले खेलना। तो मेरे हिसाब से ये टाइम टीम जो गॉडलाइक की है वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। तो अब हमारे समय लास्ट न्यूज़ की तरफ, जो आ रही है फिजिक्स की तरफ से, तो गाइस क्या गॉडलाइक बीट सोल एंड टीम फॉरएवर इन ओवरऑल स्टैंडिंग, और साथ ही में वो ओल्ड TSM वर्सेस न्यू सोल के बारे में भी बात कर रहे थे, जो कि आप उनमें देख सकते हो। Will Godel beat SATUL and Team Forever in overall standings? Depends. मतलब करने को तो कर सकते हैं, but उस हिसाब से खेलना पड़ेगा। Differentiate between old TSM versus new soul. I mean, how do you differentiate? बहुत सारे differentiations हैं। Yeah, but playstyle is थोड़ा बहुत similar. Rely on format like pushing together. You would see. I think
द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दो चीज मैंने आइको सोल के साथ रियलाइज किया है कि देयर ट्रेड गेम्स आर वेरी गुड. आप नोटिस करोगे जब भी जाते हैं पेयर्स में हो या चार घुसते हैं डायरेक्ट मुंह पे, अगर तुमने एंगल बना दिया एक आध को नॉक निकाल दिया तो डीलेबल, वरना अगर उनको वो फर्स्ट फ्रैग मिल गया वह घुस जाएंगे, वो नहीं रुकते. तो इट्स हाई टाइम, आई थिंक मुझे लगता है कि टीम्स थोड़ा बहुत उनको एंटी स्ट्रैट करेंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्ले स्टाइल मुझे रिडंडेंट लग रहा है. कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यू नो आइकुसोल इज लाइक अनबीटेबल और समथिंग. आई थिंक इट कैन बी, इट्स जस्ट दैट कि वो फर्स्ट वेव को तुम्हें रोकना है. डिफरेंस इज न्यू सोलर TSM एंटिटी विथ कंट्रोल्ड एग्रेशन. नो आई डोंट थिंक सो, देव गॉट वेरिएशन, नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस. आई थिंक बोथ ऑफ देम हैड देयर एरर्स. पहले जब TSM थी पीपल डिड नॉट नो हाउ टू काउंटर दैट. नाउ दैट people know how to counter such strats and IQ Soul is still dominating, they've got an upper edge over them. तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ.